हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुमन शर्मा है और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे नेचुरल फिटनेस से रिलेटेड वीडियो मैं शेयर करता रहता हूँ। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। हर वो इंसान घर पे परफॉर्म कर सकता है जिसको जो जॉब कर रहा है, जो कोई बिजनेस कर रहा है या कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद टाइम की कमी है। तो ये वर्कआउट जो है ये आप घर पे किसी भी जगह परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। सो प्लीज आप बने रहिए इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहला आपको पुशअप दिखाने जा रहा हूँ, जो कि एक नॉर्मल पुशअप होता है। तो देखिए कैसे होता है वो पुशअप। सबसे पहले आपको अपने एल्बो के बराबर डिस्टेंस बनाना है अपने हाथों के बीच। ये डिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, कितना रहेगा ये नॉर्मल पुशअप मैं आपको बता रहा हूँ। बैक स्ट्रेट रहेगी, सर ऊपर रहेगा, आप नीचे आना, पूरा नीचे आना, चेस्ट छुआना ऊपर, ये होगा वन। फिर स्लोली नीचे आएंगे, ये टू, फिर नीचे आएंगे, ये थ्री, फिर नीचे आएंगे फोर। पूरा बॉडी आपकी नीचे आनी चाहिए, पूरी बॉडी साथ में चलेगी। ऐसा नहीं कि आप, बहुत लोग मैं देखता हूँ ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, ये पूरी स्ट्रेट रहेगी और ये पूरा नीचे आएगा और ये हेड स्ट्रेट रहेगा। ये ऐसे भी नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसको कहते हैं नॉर्मल पुशअप। ये आप घर पे कर सकते हैं 10, 20, 30, 40 जितने भी रेप आप कर सकते हो आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से। ओके, अब सेकंड जो पुशअप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बोला जाता है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप या क्लोज हैंड पुशअप, ये आपकी चेस्ट की लाइनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, पहला पुशअप चेस्ट ओवरऑल आपका लाइनिंग के लिए बोल रहे। अब देखिए इसमें आपको अपना हाथ की ग्रिप ऐसे रखनी है। ओके, आप हाथ देख सकते हैं मेरा ऐसे, मेरा हाथ ऐसे नहीं, मेरा हाथ एक, अब देखिए अब मेरी पोजीशन देखिए, मैं सामने देख रहा हूँ और अब मैं नीचे आऊंगा, ये मैं नीचे आया, पूरा नीचे आना है आपको, आधा नीचे नहीं आना है, पूरा नीचे आना, जहां तक भी आप जा सकते हो। बैग इसमें भी स्ट्रेट रहेगी, बस उसमें हैंड की पोजीशन अलग है। फोर फाइव, तो जो डिफरेंस है सिर्फ हैंड की पोजीशन में। थर्ड पुशअप जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम आपका होता है वाइड हैंड पुशअप। ये पुशअप आपके लाइनिंग के लिए था, ये जो पुशअप वाइड हैंड पुशअप मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके चेस्ट के इस पार्ट के लिए। इसको आपको अगर बढ़ाना हो तो आप देखते जाइए, इसमें आपको आपका जो एल्बो था इस ग्रिप लगा, इसमें आपको हल्का सा उसको वाइड करना है, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं रखना है, इतना वाइड, शोल्डर से थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। सामने आप देखेंगे और नीचे आएंगे, वन, पूरी बॉडी नीचे आएगी, थ्री, फाइव। जैसा कि आपने देखा कि मेरा इसमें मेरा हैंड की पोजीशन चेंज हो गई और मैंने वाइड ग्रिप कर ली। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको अपने शरीर का चेस्ट का ये पार्ट को बड़ा करना है। अगला जो पुशअप है वो आपके शोल्डर के लिए, शोल्डर के लिए पुशअप है और कहीं ना कहीं चेस्ट पे वर्क करता है। तो ये पुशअप आपका देखिए कैसे होगा, आप सबसे पहले इसी पोजीशन में आओगे, ये हैंड के बीच में डिस्टेंस होगा या एल्बो के बराबर होगा। इसमें आप अपनी बॉडी थोड़ी ऐसे कर लोगे और आप अब नीचे आओगे, वन, अगर किसी को शोल्डर बढ़ाना है तो ये पुशअप बहुत अच्छी है और ये ट्राइसेप के लिए भी है, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो ये पुशअप आपके डेल्ट्स के लिए बहुत अच्छा है और प्लस आपके ट्राइसेप के लिए बहुत बढ़िया है। अगला पुशअप जो एडवांस पुशअप है, उससे आखिरी में जो फिफ्थ नंबर का पुशअप है, ये पुशअप जो इंसान करेगा उसका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होगा। इसको बोला गया है हिंदू पुशअप। सो यही मेरा एक बोनस टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा था कि हिंदू पुशअप जो इंसान करेगा उसका ओवरऑल पुशअप स्ट्रॉन्ग होगा। जितने मैंने पहले चार पुशअप बताए वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर आपने ये पुशअप करना सीख लिया और रेगुलर किया।
तो आप देखिए कैसे करना है। एल्बो के बीच में ये बराबर डिस्टेंस होगा, मैं ऐसे रहूंगा। अब देखिए मैं बहुत ही स्लोली 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 स्लोली, अब मेरा एक जगह हेड है और मैं पूरी तरीके से ऊपर आ रहा हूँ ऐसे। अब देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, वन। अब दूसरी तरफ मैं अपना जो हेड है मैं ऐसे रखूँ, टू, वैसे ही आप इसको रिपीट कर सकते हैं। हेड हमेशा पोजीशन चेंज करते रहिए। जैसे कि आपने देखा कि हर एक पोजीशन में मैं अपना हेड का एंगल चेंज कर रहा था, तो ये आपकी गर्दन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये गर्दन के लिए भी आपकी गर्दन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके जो शोल्डर एंड डेल्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और प्लस आपके चेस्ट पे काम करता है, आपके ट्रस्ट पे काम करता है। तो बहुत ही एक अच्छा पुशअप है, इसको ज़रूर करिएगा। सो ये मेरे 5 पुशअप थे बिगनर्स के लिए, जो अपने घर पर किसी भी टाइम और किसी भी जगह परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसे ही वीडियो में चाहूँ आप चाहते हो मैं आपसे शेयर करूँ, इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये चीज़ें आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी बी फिट, बाय।